कुकिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें कॉमन जायका को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, कॉमन जायका में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्वीट्स में जर्दा बताने जा रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस। आज हम आपको जर्दा बनाना सिखाएंगे। तो जर्दा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे चावल। डबल चावी के हमने चावल लिए हैं और इसको मैंने एक घंटा धोकर भिगो दिया था। अब हमने इसका पानी निकाल दिया है और अब हम लेंगे जर्दे का कलर। तो ये मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है थोड़ा सा, और एक भगोने में हमने इतना पानी लिया है कि चावल डालने पर उससे एक दो इंच पानी ऊपर रहे, कम से कम 2 इंच। और ये हम ठंडे पानी में ही कलर डाल देते हैं। इसके बाद हम गैस पर रख देते हैं भगोना और इसमें हम चावल डालेंगे। उबालने के लिए डाल रहे हैं हम चावल। देखिए, चलाकर इसको, और अब हम इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको 20 मिनट तक उबालेंगे। 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं कि हमारे चावल उबल गए हैं या नहीं। देखिए, इस तरह से हम चलाकर चावल का एक दाना चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चावल उबले हुए भी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। ज़्यादा उबल जाएंगे तो ज़र्दा बनाते पे टूट जाते हैं चावल, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं उबालते हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, हमने छलने में रख कर पानी इसका निकाल दिया है और चावल चावल हमारे छलने में रह गए हैं। छेदों वाला होता है ये छलना। अब जर्दा बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें लेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हमने ली है चीनी। 500 ग्राम चावल में 400 ग्राम चीनी लेते हैं। एक कटोरी हमने रिफाइंड लिया है। 2 लौंगें ली हैं हमने, और 5 हमने ली हैं इलायची, छोटी इलायची। ये टूटी फ्रूटी ली है थोड़ी हमने, और थोड़ी सी हमने ली है ककरौंदे की मिठाई। देखिए, और ये थोड़े से हमने काजू, बादाम, और ये छुरी से हमने नारियल काटा हुआ है वो लिया है। 100 ग्राम हमने लिया है मावा। ड्राई फ्रूट्स हमारी चॉइस के ऊपर है। चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं जर्दा। भगोना गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले रिफाइंड, और रिफाइंड के गरम होने का हम वेट करेंगे। जैसे ही हमारा रिफाइंड गरम हो जाता है, हम इसमें डालते हैं लौंग और हरी इलायची। देखिए, जो हमने ली थी, डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालते हैं चावल। देखिए, चावल डाल दिए हैं हमने। सारे चावल हमें एक साथ नहीं डालने हैं, पहले थोड़े चावल डालेंगे, फिर थोड़ी चीनी, और फिर से हम थोड़े चावल डालेंगे और फिर थोड़ी चीनी। इस तरह से हम लेयर लगाएंगे चावल की और चीनी की। ये देखिए ऐसे। और इसके बाद हम, जब सारे हमारे चावल डल जाते हैं, तब हम इसको ज़्यादा चलाएंगे नहीं, और ऐसे ही ढककर हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए चीनी ने कितना पानी छोड़ा है। हमने इसमें पानी डाला नहीं था, ये सारा पानी जो है वो चीनी ने छोड़ा है। तो पहले हम हल्के हाथ से चलाएंगे, ज़्यादा हमें नहीं चलाना है इसको। और अब हम इसके पानी के सूखने का वेट करेंगे। तो 5 से 7 मिनट और हम हाई फ्लेम पर ही पका लेते हैं। हाई टू मीडियम पर पकाना है हमें। और ये देखिए, लगभग पानी सूख चुका है, बहुत ही थोड़ा सा ही पानी रहा है इसमें, ज़्यादातर पानी जो है वो सूख गया है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, और इसमें हम डालेंगे अब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हमने लिए थे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुकिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं, और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये देखिए, इस तरह से हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं। मावा यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है, अगर हम चाहें तो डालें, अगर नहीं तो अंदर ना डालें मावा। अब फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट बाद देखिए, इस तरह से दिखता है कुछ ये, और इसका जो पानी है वो सूख गया है।
चला देंगे हम। ये देखिए अभी इसमें हल्का सा पानी लग रहा है, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस जर्दा बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।